हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल. दिस इज जेई लाइव डेली सीरीज जहां पर हम आपके साथ लाते हैं रेगुलर लेक्चर्स फॉर जेई प्रिपरेशन. तो आई कैन सी लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड इन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आज लेक्चर नंबर 7 है. ठीक है, कहानी काफी आगे बढ़ चुकी है. अब हम धीरे धीरे इस वीक में एडवांस लेवल को टच करने वाले हैं. ठीक है, ऑल द कॉन्सेप्ट्स बच्चों आपने अगर जो इनिशियल 6 लेक्चर्स के सीखे होंगे, ठीक है, इनिशियल जो हमारे 6 लेक्चर्स थे, आप देखोगे कि मोस्टली क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं. ठीक है, सो थिंग्स आर इजी. डोंट रीड दिस चैप्टर कि यहां पर हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते नहीं आ रहे हैं तो कैसे काम बनेगा. ठीक है, यहां पर आपको ज्यादा फोकस फंडामेंटल्स के ऊपर डालना है. ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो कुछ नए फंडामेंटल सीखने वाले हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या करेंगे कि अगर लोगों में कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लाइक चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या क्या मॉडल्स यहां पर हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम बाइनरी इक्विवेलेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज कर सकते हैं. तो यहां पर कुछ नए प्रिंसिपल सीखने वाले, कुछ नए मेथड सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो दोस थिंग्स मेक योर कैलकुलेशंस वेरी इजी, दोस थिंग्स मेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएनसी वेरी मच इजी. ठीक है, तो आज के लेक्चर में वो सब हमें डिस्कस करना है. लेकिन अब हमारे साथ और क्या क्या बचेगा, अभी हमारे पास दो चीजें और बचेंगी डिस्कस करने की. एक रहेगा मल्टीनोमियल थ्योरम जिससे बच्चों को डर लगता ही है, और एक रहेगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हो सकता है बच्चों ने सुना ही ना हो, ठीक है, लेकिन उसका स्पेशल केस जरूर बच्चों ने सुना होता है, डी अरेंजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीजें हमारी तब भी डिस्कशन की रहेंगी. ठीक है, तो लेकिन पीएनसी बच्चों हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है. आई डोंट थिंक यहाँ पे आपने कोई भी कंसेप्ट मिस किया होगा. तो अगर आपने मिस नहीं किया है, अगर आपने सारे रेगुलर लेक्चर्स अटेंड किए हैं, देन डेफिनेटली आपका पीएनसी काफी अच्छा हो चुका होगा, ऐसा आप मान सकते हो. ठीक है, ऑलराइट, जो यहाँ पर हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बताता हूँ. आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर ऑन अनअकैडमी जेई चैनल, एंड आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ऑलराइट, and those who don't know, I have done my BTech and MTech from IIT रुड़की. Alright बच्चों, तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टीम हमारी जो आपकी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों हेल्प कर रही है, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी JEE चैनल है. ठीक है, जहाँ पर हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्री. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी आपने जयंत सर की क्विज अटेंड की होगी, यहाँ पर अदर देन रेगुलर लेक्चर्स काफी इंटरेस्टिंग से सेशंस होते रहते हैं. ठीक है, जयंत सर, पारस सर, नमो सर एंड myself, वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी एजुकेशन. बस यहाँ पर बच्चों आपको अगर वाकई अपना आउटपुट इंप्रूव करना है ना, आपको अगर वाकई JEE क्रैक करना है, अगर आपके अंदर वो बात है, तो आपने डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको मिस आउट नहीं करना है. ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करना है लेक्चर्स देखने के बाद में. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो लेकिन पहले तो क्या है, फंडे पकड़ना है. ठीक है, और अगर आपको फंडे पकड़ना है तो अदर देन दिस पर्टिकुलर चैनल यू कैन आल्सो मीट अस ऑन अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी का ही एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन के लिए ही बना है, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा आपको सहूलियत मिलेगी, कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि आपके वहां पर टेस्ट होते रहेंगे बच्चों. वहां पर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है अनअकैडमी प्लस पर. ठीक है, तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप यहां पर पढ़ा तो रहे हो लेकिन हमें अपना जो एनालिसिस है वो करना है कि हम कैसे करेंगे, तो वो अब अनअकैडमी प्लस पर सॉल्व हो चुका है. उस पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, मंथ एंड से वहां पर टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आप वहां पर जाके शेड्यूल अब देख सकते हो. ठीक है बच्चों, ऑलराइट, तो अदर देन दैट डेफिनेटली वहां पर जो इंटरेक्टिव क्लासेस होती है दैट मेक्स थिंग्स इवन मोर बेटर फॉर यू. ठीक है, तो डेफिनेटली काफी सारे बच्चे यहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं. आप सब भी अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो जल्दी से ज्वाइन करो, है ना. आई कैन सी दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली डूइंग बोथ द प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, लेकिन बच्चों आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लिया है देन गो टू अनअकैडमी प्लस मोर देन यूट्यूब, क्योंकि वहां पर एक्चुअली और भी एडिशनल चीजें जो आपको मिल रही है दैट इज मेकिंग इट कंप्लीट. ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि आपको सेल्फ प्रैक्टिस का भी टाइम मिलना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पर रेगुलर बैचेस जो चल रही है इमर्ज और रिवॉल्व, उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट से टॉपिक चल रहे हैं, आप जाके वहां पर एनालाइज कर सकते हो और वहां पर जाके देख सकते हो. ठीक है, बड़ा ही आसान है देखना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो. ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो. ठीक है, काफी सारे ऐप्स हैं अनअकैडमी के, उसमें से लर्निंग ऐप डाउनलोड करो. उसके अंदर आप प्लस सेक्शन में जाके अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको उसके अंदर के सारे ही कोर्सेज देखने को मिलेंगे, उसके अंदर क्लासेस अटेंड करने को मिलेंगी. ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली काफी अच्छा बूस्ट कर सकती है. ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर 11th के बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डायरेक्टली 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी ऑन कर दिया गया है. तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाह रहे हो देन दैट कॉस्ट इज अराउंड 1500 रुपीज पर मंथ, विच इज क्वाइट लेस. ठीक है, तो 24 मंथ्स इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. अगर 12 महीने का लेना चाह रहे हो देन दैट इज आल्सो गुड इनफ, बिकॉज दैट कम्स आउट टू बी 1800 रुपीस पर मंथ आफ्टर अप्लाइंग द कोड JEE लाइव. ठीक है, तो JEE लाइव कोड अप्लाई करोगे उसके बाद में आपको ये प्राइस मिलेगी जो हम यहां पर बता रहे हैं. ठीक है, तो JEE लाइव कोड गिव्स यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. यस, ऑलराइट, तो बच्चों ये जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्लस जो प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म. ठीक है, वहां पर आपको जो चीजें आज मिल रही है आगे जाकर मुझे लगता है कि चीजें जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरीके से
डिलीवर होंगी जो वहां पर ऑलरेडी डिलीवर होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, ऑलराइट. चलो, लेकिन यहाँ पर दिस इज ऑल्सो न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी जहां पर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस तरह का स्क्रीन और इस तरह के यहाँ पर जो हम क्वालिटी कंटेंट आपके पास ला रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली समथिंग न्यू. तो होमवर्क डिस्कशन करते हैं हमारे लास्ट क्लास के होमवर्क का, है ना बच्चों. मैंने देखा यहाँ पर कुछ बच्चों ने आंसर शेयर किए थे और उनमें से एक स्टूडेंट डेफिनेटली है, आई थिंक ओपी सिंह नाम है उस स्टूडेंट का, ठीक है, जिसने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया था. ठीक है, ऑलराइट. तो मेरे ख्याल से वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चों ने जो यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है, उन बच्चों के आंसर में ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया था. ठीक है, यहाँ पर बहुत ही जरूरी बच्चों समझना, हमने लास्ट क्लास में जो एप्पल मैंगोज वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उसके अंदर हम केवल सिलेक्शन की बात कर रहे थे, जबकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था उसके अंदर ज्यादा एड ऑन किया था कि आपको यहाँ पर इन लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने थे. ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड्स क्रिएट करने हैं. तो वर्ड्स अगर क्रिएट करने हैं, मैंने अगर आपको चार लेटर्स पकड़ा दिए तो आप उनको आगे पीछे करके और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो ना. ठीक है, तो उनको आगे पीछे नहीं किया था कुछ बच्चों ने. ठीक है, तो उनके आंसर काफी छोटे आ रहे थे, इसका आंसर काफी बड़ा आने वाला है. ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा. आपके पास मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके अंदर काफी सारे से लेटर्स हैं, आप इन लेटर्स में से सिलेक्ट करना स्टार्ट करो. ठीक है, यहाँ पर आप इसके अंदर से क्या क्या देखोगे, सबसे पहले कि इसके अंदर कितने रिपीटेड लेटर्स है ना. तो इसके अंदर एम रिपीट हो रहा है, उसके बाद ए रिपीट हो रहा है, उसके बाद टी रिपीट हो रहा है. ठीक है, एम ए टी रिपीट हो रहा है, उसके बाद में एच रिपीट नहीं हो रहा है, ई रिपीट नहीं हो रहा है, हमने उसके बाद एम ए टी लिख चुके हैं हम यहाँ पे, और आई सी एस रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे ही लेटर्स लिख लिए अलग अलग ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से रिपीट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, अच्छा, तो ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस में केसेस बनाते हैं. अच्छा, मैं देख रहा था लास्ट क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मल्टीनोमियल थ्योरम से भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ बच्चे सजेस्ट कर रहे थे जो सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था. तो हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जितना आप मल्टीनोमियल को अवॉइड करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उतना बेनिफिट रहेगा आपको, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मल्टीनोमियल में बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनते हैं और उसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक की दिक्कत होती है, प्लस वहां पर यह भी दिक्कत होती है कि बच्चों को इनिशियली देख के एक्सप्रेशन से डर भी लगता है. तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ मेथड जिसमें आप स्किप कर सकते हो मल्टीनोमियल थ्योरम एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, लेकिन उसका भी डिस्कशन करेंगे तो क्लियर होगा कि वो एक्चुअली कहां जरूरी हो जाता है लगाना. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वो लगाना, तो लेट अस नॉट यूज इट, लेट अस ब्रेक इट इनटू डिफरेंट केसेस. तो यहां पर एक केस तो मैं क्या बना सकता हूं कि ऑल फोर लेटर वर्ड्स जो मैं बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, चारों के चारों लेटर्स डिफरेंट है, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट. अगर मैं सारे डिफरेंट लेटर्स सिलेक्ट करना चाहूंगा तो मेरे पास कितने अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं बच्चों यहां पे, आपको जल्दी बताओ. यस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, रिपीट जो हो रहे हैं उनको काउंट नहीं किया, अलग अलग कितने दिख रहे हैं, आठ अलग अलग दिख रहे हैं. तो आठ अलग अलग जो सिंबल्स हैं उनमें से अगर आप चार सिंबल्स को सिलेक्ट कर लोगे, चार अलग अलग टाइप के लेटर्स अगर आप सिलेक्ट कर लोगे तो हर एक का एक एक ले लेना. हर एक का अगर एक एक ले लोगे तो आपके इस लेटर से कैसा कॉम्बिनेशन आया, एक ए आया, एक एच आया, एक सी आया, एक एस आया. ठीक है, ए टी सी एस, है ना, ऐसा मान लेते हैं, ए टी सी एस मान लेते हैं. तो यहां पर अगर आपके पास ये चार लेटर्स हैं तो इनकी मदद से वर्ड्स भी तो बनाओ. अभी इनकी मदद से अगर वर्ड्स बनाने जाओगे तो कितने तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हो आप उनको, फोर फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो. ये पॉइंट मिस नहीं करना है, अभी अरेंज भी तो करना है. अब देखते हैं नेक्स्ट केस क्या आएगा. नेक्स्ट केस आएगा आपके पास में कि अच्छा ठीक है, सारे अलग नहीं है, कोई तो एक वर्ड लेटर है जो रिपीट हो रहा है. ठीक है, अगर कोई एक रिपीट हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा, दो सेम हो जाएंगे और दो डिफरेंट हो जाएंगे. दो सेम दो डिफरेंट, ये वाला केस इमेजिन कर पा रहे बच्चों, है ना. यहां पे मैं कैसा केस ले सकता हूं, एम एम, दो एम ले लिए, और एच ई, एम एम एच ई, इस टाइप का कोई केस है जहां पर दो सेम है और दो डिफरेंट है. तो अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कैसे सोचोगे, पहले मैं ये सिलेक्ट करता हूं कि सेम वाले कौन से लेना चाह रहा हूं. ठीक है, तो सेम के लिए मेरे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है, या तो मैं दो एम दो ए या फिर दो टी ले सकता हूं. तो इन तीनों में से कोई सा भी एक टाइप सिलेक्ट कर लो, उसके दो उठा सकते हो आप. ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी तो यहां पर हमने कितने उठाए, दो ही उठाए. अभी मुझे दो और डिफरेंट की जरूरत है. अगर मुझे दो डिफरेंट की जरूरत है, अब मैं क्या सोच सकता हूं, ठीक है, यहां पे लेटर से मैंने दो एम उठा लिए, लेकिन दो डिफरेंट में ऐसा भी तो कर सकता हूं कि एक ए ले लिया और एक टी ले लिया, ये भी तो डिफरेंट है. ठीक है, तो यहां पर अब डिफरेंट एक्चुअली कितने बचे हैं आपके पास, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात सिंबल्स अभी आपके पास में डिफरेंट बचे हैं, उनमें से आप दो उठा सकते हो, साथ में से दो उठा सकते हो. ठीक है, अच्छा, अभी तो क्या हो गया, आपके पास अब चार लेटर्स आ चुके हैं, उनसे वर्ड्स भी तो बनाओ. इनसे वर्ड्स बनाओगे तो कैसा निकलेगा आपके पास आंसर, इनसे वर्ड्स बनाओगे तो चार फैक्टोरियल वेज में तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन दो एक जैसे है तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा. ठीक है, टू फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा. क्लियर हुआ यहां तक? और क्या केस बन सकता है? एक केस और बन सकता है बच्चों यहां पे कि आपके पास दो सेम ऑफ वन काइंड है एंड दो सेम ऑफ अनादर काइंड है.
जैसे कि आपने 2M और 2A सिलेक्ट कर लिए, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसको 2 सेम डैश कर लेते हैं, है ना, 2 सेम है और बाकी दोनों भी सेम है लेकिन इससे अलग है, पहले वाले से अलग है, ठीक है। तो इस टाइप के एक सिलेक्शन को बहुत ही ध्यान से करना होता है आपको। यहां पर आपके पास कितने दिख रहे हैं टोटल, 3 अलग अलग टाइप से, इन टाइप्स में से आप कोई से भी 2 टाइप सिलेक्ट कर लो, उन दोनों के रिपीटेशन ले लेना, ठीक है। आपने इन तीनों में से 2 टाइप सिलेक्ट किए, लेट अस से एम और ए, इनके 2-2 उठा लेंगे, ठीक है। तो आपके पास 2M और 2A अभी हैं, इनको आगे पीछे आप कितने तरीके से कर सकते हो, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये जो पूरा बनेगा इसको क्या करना है, इसको अब ऐड करना है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, या तो पहला वाला केस या फिर दूसरा वाला केस या फिर तीसरा वाला केस, ऐसा बोल रहे हैं ना, मतलब इधर दिस और दैट, मतलब चीजों को ऐड करना रहेगा, एंड दैट विल गिव यू योर फाइनल आंसर, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे मुकुल आंसर बता रहा है 2454, यस आई थिंक दैट इज करेक्ट, 2454, यस मुकुल, बहुत बढ़िया बेटा। किरण पूछ रहे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, अरे बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल करेंगे आराम से, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की मुझे इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हाथ में है, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। आई कैन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले ज्यादा, ठीक है, लेकिन करेंगे किरण उनको भी, ठीक है, आराम से। ऑलराइट, अच्छा मिलिन ने यहाँ पे कुछ तो ग्रुप बनाया, ओहो ऑलराइट ऑलराइट, अच्छा 2928 आ रहा है जयंत आपका, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, आई थिंक इसके पहले एक बच्चे ने आंसर बताया तो वो ज्यादा करेक्ट लग रहा है मुझे। ऑलराइट, अच्छा मिहिर यहाँ पे लिखने की वो नहीं मिल रही परमिशन आपको, ऑलराइट मिहिर, यस भूमि 2454 आंसर बता रहे हैं, दिव्यांशु 2454 बता रहा है आंसर, पाहुल भी 2454 बता रहा है, अंकिता 2454, बहुत बढ़िया, ठीक है गीता, चलो आगे बात सुन में, समझ में नहीं आया किसको, संदीप को समझ में नहीं आया, अरे बेटा लास्ट लेक्चर अटेंड किया था क्या, लास्ट लेक्चर अगर अटेंड किया था तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी बात, क्योंकि लास्ट लेक्चर में इससे सिंपल वाली बात की थी हमने, लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि अच्छा ठीक है एप्पल मैंगोज कुछ तो बनानास है उसमें से आप 4 कुछ तो सिलेक्शन करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहां पर हमने सिलेक्शन वाला पोर्शन तो सीख लिया था, यहाँ पे अगर मैं अलग कलर से अगर आपको मार्क करूं तो यहाँ पर ये सिलेक्शन वाले जो चीजें हैं ये तो हमने लास्ट लेक्चर में करना सीख लिया था, ठीक है, जिसको मैंने रेड से ब्रैकेट किया। यहां पर क्योंकि आपको वर्ड्स बनाने थे तो एक्स्ट्रा और उनको अरेंजमेंट भी करना है, ये आपको सोचने के लिए मैंने छोड़ा था, ठीक है। तो आई गेस यहां पे कुछ बच्चे तो समझ गए इस बात को, ठीक है। ऑलराइट, चलो बस कैलकुलेशन बचता है इसके बाद में, है ना। अगर किसी को दिक्कत आ रही है एक बार और सुनो सॉल्यूशन को, ये समझो कि यहां पे सिलेक्शन किस चीज का कर रहे हैं हम, यहां पे जो सी वाला वैल्यू लिख रहे हैं ना बच्चों, ये जो रेड ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, ये सिलेक्शन ऑफ टाइप है, टाइप कितने अलग अलग टाइप के लेटर्स आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, दैट इज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। यहां पे मैंने अगर 8C4 लिखा है तो मुझे दिख रहा है कि 8 अलग अलग टाइप के यहां पे सिंबल्स है, इन सिंबल्स में से 4 सिंबल्स को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3C1 क्या बता रहा है, यहां पे रिपीट होने वाले 3 अलग अलग टाइप के सिंबल्स है, इन 3 सिंबल्स में से मुझे एक सिंबल सिलेक्ट करना है, ठीक है। वैसे 7C2 क्या बोल रहा है, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो बाकी 7 बचते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, इस तरह से सोचोगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऑलराइट वेरी गुड, ऑलराइट यस ओपी सिंह इज हियर फाइनली, ऑलराइट, तो इसने आंसर बता दिया था मेरे ख्याल से कमेंट में, 2454, यस ऑलराइट। चलो तो और आगे समझते हैं और क्या करना है आज हमें, ऑलराइट कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, यहां पे समझने में दिक्कत आ रही होगी नो डाउट, ठीक है, लेकिन आराम से सुनना, फिर से आराम से फिर से सुनोगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऑलराइट चलो गुड, तो समझते हैं आगे बच्चों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, जो है यहां पर बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है, जहां ये कहां लगाना पड़ता है आपको, सिलेक्शन ऑफ नॉन कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई यहां पर रिपीटर बचा है तो उसको यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आई होगी, आई कैन से दैट, ठीक है। सिलेक्ट करना है आपको जहां पर चीजें कॉन्सिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको करना होगा सिलेक्शन, तो आई वुड सजेस्ट कि आपने बाइनरी इक्विवेलेंट का कंसेप्ट अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट चलो आज की कहानी स्टार्ट हो गई, ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, है ना, होमवर्क क्वेश्चन से आगे बढ़ गए हम। ऑलराइट, तो कंसेप्ट ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट मतलब क्या है, है ना, यहां पर हम क्या करते हैं कि हियर वी असाइन ईच एलिमेंट ईदर अ 0 और अ 1 टू मीट द गिवन कंडीशन, ठीक है। कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी, वो कंडीशन मैच करने के लिए हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, 0 या 1 अलॉट करते हैं, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको एक सिंपल से क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन को आप याद रखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखोगे तो हमेशा आपको बाइनरी इक्विवेलेंट का कंसेप्ट याद रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, और कब लग रहा है ये, जब मुझे नॉन कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप का कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर एक क्वेश्चन पर देखो बच्चों कैसे समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 ट्रीज बी कट फ्रॉम 10 ट्रीज, ठीक है। यहां पर 10 ट्रीज है लाइन से रखी हुई है, ठीक है, इन अ रो है, है ना, कोई तो रोड साइड है, लेट अस से रोड साइड आपके जो है 10 ट्रीज लाइन से आपको दिख रही है,
ठीक है, लेकिन आप उसमें से चार ट्रीज को कट करना चाह रहे हो, लेकिन अब कंडीशन क्या है, सच दैट नो टू ट्रीज कट आर कॉन्सिक्यूटिव. ऐसा नहीं करना है कि पहले वाली चार ट्रीज आपने कट कर दी, ठीक है, इस टाइप की बातें नहीं करना है. आपको क्या करना है, ट्रीज कट तो करना है लेकिन कोई भी एक साथ नहीं होना चाहिए ट्री. तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, देखो यहां पे, ठीक है, यहां पर पहले तो इमेजिन करो कि वाकई ट्रीज दिख रही है क्या आपको. ठीक है, तो ये 10 ट्रीज है आपके सामने, ठीक है, 10 ट्रीज है आपके सामने, इसमें से कोई तो ट्रीज है चार जो मैं कट करना चाह रहा हूं, कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डायरेक्टली गोइंग एंड कटिंग ट्रीज, हम क्या सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं, पहले इनके ऊपर स्टिकर्स लगाते हैं, है ना, समझो इस बात को. मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रीज के ऊपर स्टिकर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, और कैसे स्टिकर्स लगाएंगे, जीरोस एंड वन वाले स्टिकर्स लगाएंगे, तभी तो बाइनरी इक्विवेलेंट बनेगा इसका. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन ट्रीज के ऊपर स्टिकर्स लगाएंगे जीरो और वन वाले. ठीक है, जीरो मैंने कितने सिलेक्ट किए स्टिकर्स, चार स्टिकर्स. जिस भी ट्री के ऊपर जीरो वाला स्टिकर होगा वो कट जाएगा, जिस भी ट्री के ऊपर जीरो वाला स्टिकर होगा वो कटने वाला है, ऐसा मान के चलो. ठीक है, और जिसके ऊपर वन वाला स्टिकर होगा वो बच जाएगा. ठीक है, तो अगर मुझे कंडीशन मीट करनी है तो क्या आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आ सकता है कि देखो यहां पे ध्यान से, है ना, अगर मैंने लाइन से सारे स्टिकर्स इनके ऊपर लगाना चाहा और ये मेरा ऑर्डर है तो यह चल जाएगा क्या ये काम. यहां पर आपके देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ग्रीन स्टिकर्स दिख रहे हैं जिनके ऊपर वन लिखा है, तो ये ग्रीन वाले ट्रीज जो है वो सेफ है, और ऑरेंज में जिनपे आपको यहां पर जीरो लिखा हुआ दिख रहा है वो सारे ट्रीज यहां पर कटने वाले हैं. ठीक है, तो ये सही है क्या, इससे बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, जिन पे भी जीरो लगा है वो वहां पे ट्री कटने वाली है. लेकिन और एक सिनेरियो दिखाता हूं मैं, अगर मैं सिनेरियो यहां पे चेंज कर दूंगा, अभी करंटली कौन सा ट्री कट रहा है, सेकंड कट रहा है, फोर्थ कट रहा है, फिर यहां से कुछ तो सेवंथ कट रहा है और नाइन्थ कट रहा है. ठीक है, अगर मैं यहां पे जीरोस और वन का पोजिशन चेंज करता हूं तो कोई और ट्री कट जाएगा. ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान क्या रखना है, क्योंकि मुझे चार ही ट्रीज कट करना है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जीरो वाले के मेरे पास कितने स्टिकर रहना चाहिए, केवल चार स्टिकर्स रहना चाहिए, और वन वाले जिन ट्रीज को मैं कट नहीं करना चाह रहा वो कैसे होना चाहिए, यहां पे वन वाले ग्रीन स्टिकर्स होना चाहिए. ठीक है, कितने होना चाहिए, छह होना चाहिए. अच्छा, तो अब यहां पर क्या आपको समझ में आ रहा है अल्टीमेटली होने क्या वाला है. अल्टीमेटली मैं ये बोलने वाला हूं कि जितने तरीके से मैं जीरोज और वन को अरेंज कर सकता हूं, जितने तरीके से मैं जीरोज और वन को अरेंज कर सकता हूं, सच दैट नो टू जीरोज आर टूगेदर, नो टू जीरोज आर टूगेदर, That will be a particular case, जिस तरीके से मैं ये एक्टिविटी कर सकता हूं. ठीक है, तो हमने क्या किया है, बाइनरी इक्विवेलेंट बनाया है उस प्रैक्टिकल सिचुएशन का, उस प्रैक्टिकल सिचुएशन का एक बाइनरी इक्विवेलेंट हमने बना लिया है, क्योंकि अब वो समझना बहुत आसान. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि ऐसा करते हैं कि आपको अगर सारे के सारे जीरोज अलग अलग चाहिए, कोई से भी जीरो साथ में नहीं आना चाहिए, तो यहां पर गैप मेथड यूज करेंगे इसका मतलब, क्योंकि जब भी कोई चीजें साथ में नहीं चाहिए होती है तो हम उनको गैप में डालते हैं. ठीक है, तो मेरे पास यहां पे कौन से वैल्यूज है जिनके ऊपर कंडीशन नहीं है, वन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है. तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वन को अरेंज करते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, यहां पर हमारे पास सात वंस आ गए. ठीक है, सात वंस की वजह से आपके पास कितने गैप्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठ गैप्स आए हमारे पास. हालांकि हमें याद है ना, प्लस वन करने से आपको नंबर ऑफ गैप्स पता चलते हैं. अगर इन गैप्स में मैं जीरोस डाल दूंगा तो कभी भी जीरो साथ में नहीं आएंगे और हमारा कंडीशन मीट हो जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया है, बड़ी आसानी से बाइनरी में चीजों को कन्वर्ट कर लिया. तो यहां पर ये बताओ कि पहले तो सारे 111 अगर स्टिकर्स हैं तो 111 स्टिकर्स को आगे पीछे करने के कोई तरीके थोड़ी होते हैं, 111 है सारे एक जैसे. ठीक है, तो ये तो ऐसे ही दिखाई देंगे. उसके बाद मैं, क्योंकि यहां पर आठ गैप्स हैं, आठ गैप में से चार गैप सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पे मैं जीरो वाला स्टिकर बीच में डालने वाला हूं. ठीक है, तो आठ में से चार गैप्स मैंने सिलेक्ट कर लिए. अब लेकिन चारों गैप्स में जाने वाला क्या है, जीरो वाला स्टिकर ही जाने वाला है. इसका मतलब फर्दर कोई अरेंजमेंट होगा नहीं, 8C4 ही इसका करेक्ट आंसर है. क्लियर हो रहा है. अच्छा, 6-1 से क्या हमारे पास, ओहो, फिर तो मुझे एक कम करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच बच्चों, है ना, कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ओहो थैंक यू वेरी मच. तो यहां पर एक एक वैल्यू कम करते हैं, फिर क्या, यहां पर हमारे पास गैप भी एक कम हो गया और हमारा ये पूरा सी वाला एक्सप्रेशन भी एक कम हो गया. तो हमारा आंसर अब कितना आएगा, कितना हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, सात हमारे पास गैप्स हो गए, उसमें से चार गैप सिलेक्ट कर लेंगे अभी. ठीक है, यस कौशिक थैंक यू वेरी मच, यस जयंत थैंक यू, अनमोल थैंक यू, आईटी वीकेंड थैंक यू वेरी मच, ऑल राइट, यस 7C4 यश एग्जैक्टली,
यस ठीक है दिव्यांशु 7C4 बिल्कुल सही बोल रहे हो ठीक है ऑल राइट बस ऐसे चलने दो ऑल राइट चलो यार इंपॉर्टेंट फंडा हमने सीख लिया क्लियर है चलो कितना होता है फिर ये 7C4 कैलकुलेट कर लो यही आपका आंसर ठीक है ऑल राइट तो ये फंडा बच्चों याद रखना है आपको ठीक है क्या है ये बाइनरी इक्विवेलेंट का फंडा है ठीक है इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना क्या कर रहे हैं हम चीजों को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है अच्छा और कुछ नया सीखते हैं ये तो फंडा बहुत ही आसान था ये हमें समझ में भी आ गया ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट आती है बात हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के आपको याद आ रहा है कि एक बार हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है जब हम ग्रुपिंग वाला थ्योरी पढ़ रहे थे ठीक है ग्रुपिंग वाला थ्योरी भी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है लेकिन आज हम थोड़ा अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं सो बी वेरी यू नो कंफर्टेबल विथ ऑल द केसेस जो यहां पर आने वाले हैं तो आपको ये जो सारे लेक्चर नोट्स बच्चों मिलते हैं उनको डाउनलोड करके रखा करो और उनको रिवाइज करते रहा करो क्योंकि यहां पर सारे जो टाइटल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए अलग अलग ठीक है इनमें कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको तो फिर आपको डेफिनेटली पीएनसी में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ऑल राइट अच्छा आकाश ऑल राइट आकाश वॉन्ट्स मी टू से हिज नेम ऑल राइट ठीक है लेकिन आकाश आप क्वेश्चन आंसर करो अपने आप आपका नाम ले लूंगा ठीक है ऑल राइट तो यहां पर क्या करना है बच्चों आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुनते हैं उसके बाद में लाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है ठीक है उसके अंदर और भी कुछ नया हमें सीखना है क्योंकि आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मतलब सिनेरियो कैसे बनेगा एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 डिफरेंट आइसक्रीम्स है ना 5 अलग अलग आइसक्रीम्स है आपके पास में अमंग 3 स्टूडेंट्स तीन बच्चों में आपको 5 अलग अलग आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इसका क्या मतलब है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये बोल रहा है कि यहां पर हो सकता है कि एक ही बच्चे को आप 5 आइसक्रीम दे दो तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है एक ही बच्चे को भी आप 5 आइसक्रीम दे सकते हो ये सिनेरियो सबसे आसान वाला होता है ठीक है ऑल राइट तो देखो यहां पर कैसे होगा इसका आंसर यहां पर कैसे सोचना होता है तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचोगे डिस्टिंक्ट चीजों को जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑलवेज स्टैंड है ना अपने दिमाग में हर बार ऐसा फिगर हो आपके पास में जरूरी नहीं है है ना और प्रैक्टिकल जाके खड़े होना भी जरूरी है आपको केवल ऐसा सोचना है कि आप किस साइड खड़े हो आप उस साइड खड़े हो जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है मतलब यू आर द पर्सन हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स ठीक है अच्छा तो आपने अगर सबसे पहली वाली आइसक्रीम उठाई है तो आप क्या सोचोगे कि आप किसको दोगे तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं आपके पास 3 चॉइसेस हैं ठीक है कहानी बहुत ही सिंपल ये सबसे सिंपल वाली कहानी है लेकिन इसको एज ए टाइटल समझना जरूरी है इसलिए हमने एक डिफरेंट टाइटल देके ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना चाहा है ठीक है इस बात को समझो यहाँ पर अगर डिस्टिंक्ट चीजें हैं डिस्टिंक्ट बच्चों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन पहली आइसक्रीम उठाओ कितने तरीके से दे सकते हो 3 तरीके से दे सकते हो ठीक है उसके बाद दूसरी आइसक्रीम उठाओगे फिर से कितने तरीके आपके पास 3 तरीके हैं उसके बाद फिर से 3 तरीके उसके बाद 3 तरीके उसके बाद 3 तरीके कितने हो गया ये 3 की पावर 5 हो गया ये मैं अलग से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बार बच्चों को यहां पे कंफ्यूज होते हुए देखा है कि 3 की पावर 5 आएगा या 5 की पावर 3 आएगा ठीक है तो 5 की पावर 3 कब बनेगा जब आप इस साइड से खड़े होकर सोचोगे ठीक है कि यहां पर पहले वाले पर्सन के पास कितनी चॉइसेस 3 चॉइस 5 चॉइसेस ठीक है दूसरे वाले के पास 5 ये बिल्कुल गलत है ठीक है आपको किस साइड खड़े होकर सोचना होता है आपको उस साइड खड़े होकर सोचना होता है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती चीजें ठीक है बच्चों को हम आइसक्रीम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे आइसक्रीम को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे ठीक है तो इसका आंसर कितना आएगा 3 की पावर 5 इसका आंसर आएगा ठीक है हर एक आइसक्रीम के पास में यहां पर 3 चॉइसेस हैं समझ गए बच्चे यस ऑल राइट वेरी गुड चलो तो देखो यहां पे और क्या सीख सकते हैं हम कि अगर यहां पे चीजें लाइक हो जाएंगी तो क्या होगा ठीक है ऑल राइट तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन ठीक है अब ये सिनेरियो भी हम एक तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे जो आपने अगर सीख लिया तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो है सिंपल हो जाएंगे ठीक है ऑल राइट जस्ट अ मिनट आई विल जस्ट क्लीन अप द चैट लिटिल यहां पर कुछ लोग हैं जो पढ़ने नहीं आए शायद ऑल राइट चलो बच्चों मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपने सैनिटी तो चैट की मेंटेन करके रखना चाहिए ठीक है अदरवाइज लाइव आने का कोई फायदा नहीं होगा
ठीक है, फिर तो यहाँ पे अगर हम रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे तो भी यहाँ पर मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट हो जाएगा बात, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर हम पढ़ना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम जो सीखना चाह रहे हैं वो ऐसा कुछ है जिसको बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल या फिर कहीं पर पार्टीशन मेथड नाम से मिलेगा, या फिर फिक्टिशियस पार्टीशन नाम से मिलेगा, या फिर कुछ टीचर्स इसको बेगर मेथड बोलते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग नाम है, ठीक है, लेकिन फंडा सबका सेम है, ठीक है। अपने अपने अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों ने कंसेप्ट पकड़ लिया तो आपको काफी सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते आ जाएंगे। लेकिन ज्यादा क्या है यहाँ पे, बॉल एंड स्टिक मेथड है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं फाइव लाइक बॉल्स, एक जैसी दिखने वाली बॉल्स है, ठीक है। एक जैसी दिखने वाली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने में याला मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते क्या है कि अच्छा ठीक है, तुमको अगर पांच चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तुमको अगर पांच चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं दो लोगों में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन पांचों चीजों को लाइन से अरेंज कर दो टेबल के ऊपर, पांचों चीजों को लाइन से अरेंज कर दो टेबल के ऊपर, और उनके बीच में एक पार्टीशन इमेजिन कर लो। अब वो पार्टीशन कुछ भी हो सकता है ना, एक क्लिकर हो सकता है, या फिर एक पेन हो सकता है, या फिर रिमोट कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक आइटम बीच में रख दो, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं हम, पार्टीशन। उस चीज को क्या बोलते हैं जो बीच में रख देते हैं, उसको बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आपने वो एक आइटम बीच में रखा, वैसे आपको क्या दिखाई दिया कि यहां पर जो पांच आइटम्स थे वो दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। एक के अंदर दो आइटम्स है और एक के अंदर तीन आइटम्स है, ठीक है। दोनों ग्रुप में कितने आइटम्स हमें दिख रहा है, और ऑब्वियसली टोटल कितना हो जाएगा, जितना पहले थे उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इमेजिन ऐसा करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है, ये जो दो आइटम है, ये किसको मिलने वाले हैं, ये पर्सन वन को मिलने वाले, ठीक है। दो पीपल है ना यहाँ पे, तो ये पी वन को मिल जाएगा, और वैसे ये जो है ये पी टू को मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर यहां पर इस पार्टीशन का लोकेशन चेंज किया होता, ये अगर उस साइड होता, यहां अगर होता ये पार्टीशन, ठीक है, देन इन दैट केस पी वन को तीन मिल जाता और पी टू को दो मिल जाते, आ रही बात समझ में। तो दिस इज दैट सिंपल। यहां पर करना क्या है, आपको लाइक ऑब्जेक्ट्स को एज ए बॉल इमेजिन करना है, ठीक है। कैसी बॉल्स है, लाइक बॉल्स है, ठीक है। दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक सिंगल पार्टीशन आपको उनके बीच में लगाने की जरूरत है। अगर एक सिंगल पार्टीशन लगाओगे तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर एक केस और इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना चाहिए हमने। ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टीशन जो है सबसे पहले रख दे। अगर ये पार्टीशन हमने सबसे पहले रख दिया तो ये क्या इंडिकेट करेगा, पार्टीशन के लेफ्ट वाला जो होता है वो पी वन को मिलता है, पार्टीशन के राइट वाला जो होता है वो पी टू को मिलता है। तो इस बार क्या होगा, पी टू के सारे पांचों बॉल्स मिल जाएंगे और पी वन को कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब पार्टीशन हमारा स्टार्टिंग में भी आ सकता है, पार्टीशन हमारा एंड में भी आ सकता है। पार्टीशन कहीं पर भी रख दो, वो हमेशा क्या करेगा, चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर चीजों को आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर चीजों को आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, तीन लोगों को देना है, देन इन दैट केस क्या होगा, यहां पर आपने क्या करना चाहिए, आपने दो पार्टीशन लगा लेना चाहिए। अगर आपने दो पार्टीशन लगा लिए पांच बॉल्स के बीच में, तो कितने पोर्शंस में डिवाइड हो गए पांच बॉल्स, तीन पोर्शंस में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये पहला वाला पोर्शन फर्स्ट पर्सन के पास जाएगा, ये दो बॉल्स सेकंड पर्सन के पास जाएंगी, और ये वाली दो बॉल्स थर्ड पर्सन के पास जाएंगी, और आपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कर दिया, आपने कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है इसको बोलते हैं पार्टीशन मेथड। अब यहां से लेकिन आंसर्स कैसे निकलेंगे, यहां से आंसर ऐसे निकलेंगे कि जितने तरीके से आप यहां पर बॉल्स और पार्टीशंस को अरेंज कर सकते हो, उतने ही तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स काउंट कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के जो तरीके होंगे दैट इज एज गुड एज काउंटिंग कि आप यहां पर पांच बॉल्स और एक पार्टीशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो यहां पर बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके पास, एक दो तीन चार पांच छह ऑब्जेक्ट्स हो गए, जिसके अंदर मैंने पार्टीशन को भी काउंट कर लिया, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मेरे पास टोटल छह ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सिक्स फैक्टोरियल वेज में अरेंज होना चाहिए, ठीक है, सिक्स फैक्टोरियल वेज में अरेंज होना चाहिए। लेकिन इनमें से ये एक दो तीन चार पांच, पांच बॉल्स तो एक जैसी है, पांच बॉल्स एक जैसी है, तो इनको फाइव फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, यह आपका आंसर आ गया। वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइव लाइक बॉल्स इंटू टू पीपल, कितने तरीके से हो सकता है, छह तरीके से हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, और वैसे नीचे देखो, अगर आपको पांच चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीन लोगों में, तो आपने सिनेरियो कैसे इमेजिन किया, जैसे हमारे पास पांच लाइन से बॉल्स रखी हुई है और उनको हमने दो पार्टीशन की मदद से डिवाइड कर दिया तीन पार्ट्स में। अब यहां पर पार्टीशन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर इमेजिन करते हैं सारी चीजें आगे पीछे हो रही, ठीक है। कितनी चीजें हो गई यहां पर, पांच और दो सात, पांच तो यहां पर बॉल्स है, दो यहां पर पार्टीशन हमने इमेजिन कर ली, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए यहां पे रखे हुए, अभी सात ऑब्जेक्ट्स हो गए, सात फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते थे, लेकिन इनमें से
पांच ब्लू बॉल्स एक जैसी हैं, इसलिए 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, एंड ये दोनों पार्टीशन एक जैसे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो ये आपका आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, विच कैन देन बी कंप्रेस्ड एंड रिटन एज 7c2 और 7c5. 7c2 या 7c5 बुक्स में इस टाइप के आंसर्स आपको मिलेंगे. आ रही बच्चों बात समझ में? इज दिस क्लियर? ये कंसेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है. 7c2 मतलब कितना हो जाएगा, 7 × 6/2 मतलब 21. बिल्कुल यहां पे धनराज 21 आंसर बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा. यश ओपी सिंह, यस बहुत बढ़िया. आगे बात समझ में? सिंपल है ना, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं. ऑलराइट, तो ऐसा क्वेश्चन है आपके पास में. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज, ठीक है, अमंग 3 स्टूडेंट्स. 10 मैंगोज अमंग 3 स्टूडेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक बच्चे को आपने 10 के 10 मैंगो पकड़ा दिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. ऑलराइट, और यहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दिए, हियर ऑल मैंगोज आर अलाइक. तो हम यहां पर क्या पार्टीशन मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? यस वी कैन अप्लाई पार्टीशन मेथड हियर, है ना. आपके पास यहां पर 10 मैंगोज हैं, लाइन से रख दो आप उनको, 10 मैंगोज लाइन से रख दो, और क्या करो, इनके बीच में कितने पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको? 10 मैंगोज के बीच में कितने पार्टीशन की रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3 पोर्शंस करना है आपको, है ना. 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, मतलब 3 पोर्शंस करना है, मतलब एक कम पार्टीशन की रिक्वायरमेंट है आपको, 2 ही पार्टीशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. अगर आपने बीच में 2 पार्टीशन लगा दिए तो चीजें 3 पोर्शन में डिवाइड हो गई, है ना. पहला वाला स्टूडेंट 1 को चला जाएगा, दूसरा वाला स्टूडेंट 2 को, तीसरा वाला स्टूडेंट 3 को चला जाएगा. ऑलराइट, यहां पर आप ऐसा भी सिनेरियो ड्रॉ कर सकते थे जो चलता मुझे बिल्कुल वो गड़बड़ नहीं लगता, ये चलता मुझे कि आपने पार्टीशन एक यहां रख दिया. अगर आपने यहां पार्टीशन रख दिया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट 1 को मैंने कुछ भी नहीं दिया, स्टूडेंट 2 को मैंने 6 मैंगोज दे दिए और स्टूडेंट 3 को मैंने 4 मैंगोज दे दिए, ठीक है. अगर आप ये वाला पार्टीशन यहां नहीं लगाते तो भी मुझे चलता, अगर आप ये यहां लगा देते तो भी चलता, ठीक है. ये क्या बता रहा है यहां पे, ये क्या है, पार्टीशन अलग अलग लगाने के तरीके हैं, ठीक है. ऑलराइट, तो यहां पर क्या इंडिकेशन हो रहा है, यहां से इंडिकेशन आ रहा है पार्टीशन 1 के पहले कुछ भी नहीं है, मतलब स्टूडेंट 1 को कुछ नहीं मिला, और पार्टीशन 2 के बाद में कुछ नहीं है, मतलब स्टूडेंट 3 को भी कुछ नहीं मिला, स्टूडेंट 2 को मैंने सारे के सारे 10 मैंगोज दे दिए, ठीक है. तो यहां पर एक्चुअली सारे आंसर्स आपके पास निकल के आ रहे हैं बच्चों, ठीक है. करना क्या है आपको, यहां पर चीजें अरेंज करनी है बस, ठीक है. चीजें अरेंज करनी है, कितनी चीजें हैं यहां पे, यहां पर टोटल 10 तो मैंगोज है और यहां पर आपके पास 2 पार्टीशन है, है ना. बी आंसर आ रहा है बच्चों का, बहुत बढ़िया, ठीक है. अंकिता भी आंसर बता रही है इसका, ऑल राइट. और प्रज्ञा, दीपक, ऑल राइट. और ओपी सिंह कितना आंसर बता रहा है, 66. ऑल राइट, 66 कैलकुलेशन होकर आ रहा है क्या, अच्छा ओके गुड. और यश भी बता रहा है, रोशन वेरी गुड, ठीक है. तो आई बच्चों को बात सुन में, तो यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं फिर मैं, यहां पर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 10 + 2 पार्टीशंस, मतलब 12 ऑब्जेक्ट्स हो गए. 12 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके 12 फैक्टोरियल, लेकिन फिर हमें याद आएगा नहीं नहीं इसके अंदर 10 मैंगोज तो लाइक है तो 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और यहां पे 2 पार्टीशन लाइक है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये जो चीज बनेगी ये 12c2 के बराबर होगी. जैसे बच्चे यहां पे आंसर निकाल के बता रहे हैं 66, बिल्कुल सही आंसर निकाल के बता रहे हैं, ठीक है. और एक ट्राई करते हैं चलो, यस सिंपल ही चीज है. यहां पर देखो अब क्या हो रहा है, यहां पर अब आपको मल्टीपल टाइप के फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है. सोचो अभी इस बात को, यहां पर आप मल्टीपल टाइप की चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है. हमने किसके लिए पढ़ा है पार्टीशन मेथड, लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ा है, लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने पार्टीशन मेथड पढ़ा है. तो क्या इस क्वेश्चन में अप्लाई करके बता सकते हो कैसे आंसर आएगा, सोचो जरा. ऑलराइट गुड, एल्विस बोल रहा है समझ में आ गया, गुड वेरी गुड. यस नेक्स्ट वन, इसको कैसे करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज एंड 6 एप्पल्स एंड 4 बनानास अमंग 3 स्टूडेंट्स, ठीक है. ऑलराइट, सच दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 मैंगो, सच दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 मैंगो. यहां क्या कर सकते हैं, कम से कम एक मैंगो तो देना पड़ेगा सबको, ठीक है. तो बहुत ही ध्यान से सोचने की जरूरत है यहां पे. ऑप्शंस तो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों दिया ही है, ठीक है. तो ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है, तो शायद आप ज्यादा अच्छे से इसका आंसर बता पाओगे. यहां पर बहुत ही सारे बच्चे डी आंसर बता रहे हैं. ऑलराइट, और यहां पर बीच में एक लगा मुझे, प्रेमला बोल रही है कि वो नया है, नहीं है यहां पे. ऑलराइट, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, रोज न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं हमें डेफिनेटली, लेकिन क्लासेस जो है सिंसियरली अटेंड करते जाओ.
ऑलराइट, इतने सारे बच्चे डी आंसर बता रहे हैं इसका. ओहो, और कोई है क्या कोई? चलो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको सोचना कैसे है, यहाँ पर आपको एक्चुअली ऐसा सोचना है कि क्योंकि यहाँ पे देखो बी आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, यहाँ पर ए आंसर भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर ए और बी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि हम यहाँ पर जो पार्टीशन मेथड हमने सीखा है वो किसके लिए सीखा है, वो हमने केवल लाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीखा है. ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, सारे के सारे मैंगोज होंगे तो मैं पार्टीशन लगाऊंगा उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर एंड में अगर दो ऑरेंजेस होते, एंड में अगर दो ऑरेंजेस होते तो बात गड़बड़ हो जाती. ठीक है, अब किसको मैंने ऑरेंज दिया, किसको मैंने मैंगो दिया, वो देखना पड़ता ना मुझे. ठीक है, तो हम वो देखना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा लाइक चीजों के बीच में पार्टीशन डालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपने सोचना ऐसे था कि आप ऐसा अलग अलग रो बना लो, एक ही रो में चीजें रखने की क्या जरूरत है, आपके 10 मैंगोज हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बास्केट में से निकालो 10 के 10 मैंगोज, एक लाइन से टेबल के ऊपर अरेंज कर दो. ठीक है, उस बास्केट में एप्पल्स भी हैं, एप्पल्स अलग रो में अरेंज कर दो, मैंगोज उसके बाद में जो बनाना है अलग रो में अरेंज कर दो. ठीक है, तो हमने अलग अलग रोज में पहले तो ये तीनों चीजें अरेंज कर दी. ठीक है, उसके बाद आपने क्या सोचना चाहिए, आपने ये सोचना चाहिए कि अच्छा ठीक है, कंडीशन है कुछ तो यहाँ पे कि एवरी स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट वन मैंगो, हर बच्चे को अगर एक मैंगो मिलना ही चाहिए, तो कितने बच्चे हैं वहां पे, तीन बच्चे, वहां पे तीन बच्चे हैं, हर बच्चे को एक एक मैंगो मिलना चाहिए, तो सबसे पहले तो दे दो ना एक एक मैंगो सबको, सबको एक एक मैंगो दे दो. ठीक है, एक एक मैंगो अगर दे दिया तो आपके पास अब फर्स्ट रो में यहां पर कम हो जाएंगे मैंगोज, अब डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, क्योंकि अब कंडीशन जो थी हमने पहले ही सेटिस्फाई कर दी, हमने कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई कर दी, यहां पर जो तीन मैंगोज थे हमने उठा के दे दिए बच्चों को एक एक. ठीक है, अब हर बच्चे के पास एक एक मैंगो है, तो मुझे एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं इनमें कोई कंडीशन नहीं है, इनको मैं किसी भी रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि नहीं, आज मैं सबसे पहले मैंगोज से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. मेरे पास कितने बचे हैं मैंगोज यहाँ पे, मेरे पास टोटल 7 मैंगोज बचे हैं. ठीक है, मेरे पास टोटल 7 मैंगोज बचे हैं, तीन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दो पार्टीशन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो अब यहाँ पे उस पहली वाली रो में कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, टोटल 9 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं. ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ये इतने तरीके से आपने मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब किसके ऊपर आ जाओ, अब आ जाओ आप एप्पल्स के ऊपर. अब एप्पल्स के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं, यहां पे दो पार्टीशन लगाओ और देखो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये कितने हैं, ये टोटल 6 हैं, तो ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए पार्टीशन मिला के, 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 एक जैसे एप्पल, 2 एक जैसे पार्टीशन. और क्या होगा लास्ट में, बनानास है, बनानास के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दो पार्टीशन लगा लो. ठीक है, अब आ रहा है यश का आंसर सी, श्रुति का आंसर आ रहा है सी, दिव्यंदु सी आंसर बता रहा है, रजनी, दिव्यांशु बहुत बढ़िया. ठीक है, ओपी सिंह अभी भी डी बता रहा है. ओहो बेटा ध्यान से देखो. ठीक है, और बताओ यहाँ पे लास्ट वाले को क्या करोगे, लास्ट वाले में आप करोगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. और सब ये जो आपके पास केसेस आए हैं इनको ऐड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, इनको ऐड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे. एक ऑप्शन में चेंज कर दूंगा अगली बार से इसके अंदर. ठीक है, एक ऑप्शन ऐड करने वाला भी होना चाहिए, है ना, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन हो बच्चों को. यहाँ पर एक्चुअली केसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम एक प्रोसेस के बाद में दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने सबसे पहले मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट किए एंड देन आई विल डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स एंड देन आई विल डिस्ट्रीब्यूट बनानास. ठीक है, तो जब भी आप एंड बोलोगे, एक के बाद एक कोई प्रोसेस करोगे, तो चीजों को मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पर सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है, आई थिंक नाउ एवरीवन इज गेटिंग इट, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों. यस प्रज्ञा, आई कैन सी अ लॉट ऑफ सीज हियर नाउ. ऑलराइट, चलो तो बढ़े आगे. यार कंसेप्ट पकड़ लिया सबने कि अगर यहाँ पे कुछ चीजें लाइक है तो लाइक को अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उनको मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश मत करना, गड़बड़ हो जाएगी सारी. ठीक है, ऑलराइट, चलो और एक ट्राई करते हैं. ओहो ऑलराइट, तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि ये जो अभी तक हमने इतनी देर तक ये फंडा पढ़ा है पार्टीशन वाला, ये क्वेश्चंस में कैसे आ सकता है. ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सिलेक्शन वाला भी देखा था, सिलेक्शन वाला जो हमने तरीका सीखा था वो एक्चुअली नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाले क्वेश्चंस में काम आ रहा था. ठीक है, वैसे यहां पर जो भी हमने पार्टीशन मेथड सीखा है वो आप यहाँ पे इक्वेशन सॉल्विंग में यूज कर सकते हो. ठीक है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व जस्ट बाय पार्टीशन मेथड. वहां पर अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि हर बार मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करना होता है तो बिल्कुल गलत है. ठीक है, इन 90% ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली स्किप मल्टीनोमियल थ्योरम एंड डू क्वेश्चंस बाय यूजिंग पार्टीशन मेथड. ठीक है, इन 90%, बाकी 10% ऐसे होंगे जिन जो बने ही होंगे मल्टीनोमियल के लिए, तो वहां पे मल्टीनोमियल यूज करना पड़ेगा, वो भी हम सीख लेंगे, लेकिन आज नहीं. आज सीखते हैं कि ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक्चुअली पार्टीशन मेथड से कर सकते हो. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन क्वेश्चन. ठीक है, तीन मैंगोज का क्या हुआ?
शुभम यहाँ पे पूछ रहा है तीन मैंगोज को क्या हुआ सर. अरे तीन मैंगोज बच्चे हमने पहले ही दे दिए. वो जो तीन लड़के थे ना, वो तीन स्टूडेंट्स थे, उनको तीन मैंगोज हमने बास्केट में से उठाए और तीनों को एक एक पकड़ा दिया. क्यों? क्योंकि हर बच्चे के पास एक मैंगो तो होना ही चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया था. ठीक है शुभम, आई बस उनमें. तो हमने पहले ही वो अगर दे दिए तो हमने बेसिकली कंडीशन अब सेटिस्फाई कर दी. अब बचे हुए को डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसके बाद में फिर पार्टीशन मेथड अप्लाई हो गया. ठीक है, ऑलराइट, गुड. तो मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं. फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. अब इस टाइप की टर्मिनोलॉजी सीखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इक्वेशन सॉल्विंग के क्वेश्चंस अच्छे से समझना है तो. ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब यह है कि यहां पे जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स अलाउड है. यहां पे जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स अलाउड है, इसका मतलब यहां पर ऐसा भी केस चलेगा जीरो जीरो टेन, है ना. ये क्या है? एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, 0, 0, 10 चलेगा. क्यों? क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला है. नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड 0 इज नॉट नेगेटिव. सो ये आंसर में आ सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 2, 3 और 5, है ना, ऑब्वियसली ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है जिसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है. लेकिन टोटल कितना हो जाना चाहिए अल्टीमेटली? टोटल यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? 10 निकल के आना चाहिए. ठीक है, तो ये जो सिनेरियो आपके सामने इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है x plus y plus z is equal to 10, क्या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने आज किया है? क्या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने आज किया है? उस टाइम पे मैंने आपको बोल दिया था आपके पास 10 मैंगोज हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं. समझ रहे हो इस बात को? 10 मैंगोज हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं. ये ऐसा नहीं लग रहा क्या? इक्वेशन वैसी तो कुछ लग रही है. ठीक है, यहां पर 3 स्टूडेंट्स खड़े हैं और यहां पर 10 मैंगोज हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, आप तो ऐसा ही सोचो इसको. क्लियर है? ऑलराइट, तो यहां पर पूरा का पूरा हम केस कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं हम हमारे समझने वाले एक्सप्रेशन में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. यहां पे लाइन से मैंने 10 एप्पल्स रख दिए लेटर से. ठीक है, 10 एप्पल्स अगर मैंने रख दिए तो यहां पे कितने टेबल के ऊपर 10 एप्पल्स रखे हुए. मुझे क्योंकि यहां पे तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं यहां पे दो पार्टीशंस लगा सकता हूं. दो पार्टीशंस, यस, 12C2 बहुत बढ़िया है ना. यहां पे चिंटू और नाइव गेमिंग, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट समर्थ, और थोड़े बने रहो बेटा, बिल्कुल आएगा समझ में. ठीक है, समझो यहां पे क्या हो रहा है. अगर मैं x plus y plus z is equal to 10 इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा हूं तो मेरे पास इस टाइप के आंसर्स आ सकते हैं, इस टाइप के आंसर्स आ सकते हैं, काफी सारे आंसर्स आ सकते हैं. मैं देखना चाह रहा हूं कितने ऐसे आंसर्स आ सकते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, है ना, कितने अलग अलग आप यहां पे इस टाइप के आंसर्स क्रिएट करके बता सकते हो. तो जैसे यहां पर मैंने जो अभी रैंडमली लगा दिया, रैंडमली जो मैंने दो पार्टीशन लगा दी, इसके अंदर कोई आंसर दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है. x को मैं 3 अलॉट करूंगा, y को मैं 2 अलॉट करूंगा और z को मैं 5 अलॉट करूंगा. अगर मैंने थोड़ा सा पार्टीशन की लोकेशन अगर चेंज कर दी, अगर मैंने पार्टीशन की लोकेशन अगर यहां डाल दी, ठीक है, यहां डाल दी पार्टीशन, एक पार्टीशन यहां आ गया, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका पार्टीशन के पहले वाला क्या होता है? x का वैल्यू होता है. तो x को कुछ भी नहीं मिला, y को आपके पास 5 मिल गए और z को भी 5 मिल गए. ठीक है, ऑल दिस सिनेरियोस आर पॉसिबल एंड ऑल आर एक्सेप्टेबल आंसर्स, क्योंकि यहां पे जीरो आंसर एक्सेप्टेबल है. ठीक है, अगर जीरो एक्सेप्टेबल नहीं होता तो ये पार्टीशन यहां नहीं आना चाहिए था. अगर जीरो एक्सेप्टेबल नहीं होता तो ये पार्टीशन यहां नहीं आना चाहिए था. मतलब आपका पार्टीशन मेथड कब लगता है? जब आंसर्स में जीरो चलते हैं. जब आंसर्स में जीरो चलते हैं तो पार्टीशन मेथड अप्लाई होता है, नहीं तो नहीं होता. ठीक है, और लगता है इसका आंसर 12C2 मेरे ख्याल से बच्चे सारे बता चुके हैं. क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स यहां पे 12 हैं, तो 12 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते थे, लेकिन इसमें से 10 एक जैसे हैं, 10 जो यहां पे एप्पल्स थे और यहां पे दो पार्टीशन एक जैसे हैं, विच इज एक्चुअली 12C2, और इसका आंसर बच्चों ने बता दिया था शायद 66. ठीक है, कैलकुलेट भी कर लिया था सबने, 12C2 आई बस उनमें. वेरी गुड, ऑल राइट, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं. इक्वेशन सॉल्विंग भी तो आ गया ना आपको, इक्वेशन सॉल्विंग के क्वेश्चंस आना चाहिए सॉल्व करते, उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आ ही गया करते. ठीक है, ऑलराइट, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं वो. ठीक है, तो एक बेसिक चेंज ये करते हैं कि वो यहां पर ये वाली कंडीशन चेंज कर देते. ठीक है, नाउ वी नीड टू लर्न हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम. यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही आना चाहिए. कैसे आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही आना चाहिए. इक्वेशन अभी भी वही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10. क्यों लोग कंडीशन चेंज कर दी? तो यहां पर जैसे ही आप ये बोलोगे पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसके अंदर अब जीरो नहीं आ सकता. इसके अंदर अब मैं 0, 0, 10 वाला केस नहीं ले सकता. इसके अंदर मैं 0, 1, 9 वाला केस भी नहीं ले सकता. जहां पर भी आपका एक भी जीरो बन रहा है, मैं वो वाला केस नहीं ले सकता. समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अच्छा बच्चों, यहां पे ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि वाई को कभी जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी? वाई को जीरो वैल्यू मिल सकती है. ठीक है, अगर दोनों पार्टीशन एक साथ आ जाएंगे, ऐसे कुछ
तो बीच वाली वैल्यू में कुछ नहीं आएगा तो वाई को जीरो मिल सकता है. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ पे ऐसा लगा मुझे कि किसी को हो सकता है कंफ्यूजन, तो इसलिए डिस्कस कर लिया. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ पर वाई को भी जीरो मिल सकता है, 109 वाला भी सिनेरियो हटाना पड़ेगा, बहुत सारे सिनेरियोस यहाँ पे हटाना पड़ेंगे. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पार्टीशन मेथड कब लगाते आता है. पार्टीशन मेथड हमें तब लगाते आता है जब यहां पर जीरो अलाउड होता है. सो लेट अस चेंज आवर इक्वेशन, लेकिन आंसर सेम आएगा. ठीक है, लेट अस चेंज आवर इक्वेशन. तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ऐसा करते हैं कि लेट अस सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 plus t1. इससे क्या होगा, अगर मुझे x जो है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए, इसका मतलब आप x को कैसा बोल रहे थे, आपके और x की कंडीशन क्या थी, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ऐसी कंडीशंस है आपके पास में, 1 या 1 से बड़े होना चाहिए x y z के वैल्यूज. ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया कि x = 1 + t1, तो यहां पे t1 के ऊपर क्या कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर भी चलेगी, इसका मतलब t1 जो है वो 0 हो गया तो चलेगा. इसका मतलब t1 जो है वो 0 हो गया तो चलेगा. तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं, देन इन दैट केस t1 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये एक चेंज करता हूं मैं. वैसे दूसरा चेंज क्या कर सकता हूं कि लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू 1 plus t2. अब यहां पर अगर y इज इक्वल टू 1 plus t2 है और y की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो सकती है, तो t की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है. ठीक है, तो यहां पर t के ऊपर कंडीशन क्या आई, t2 के ऊपर सेम कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, और वैसे ही लास्ट वाली कंडीशन देखो, लास्ट एक और कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर z इज इक्वल टू 1 plus t3 कर दोगे, देन इन दैट केस t3 के ऊपर भी कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली ही आएगी. पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या, कैन z भी 0? हाँ प्रेमला, z 0 हो सकता है बेटा पार्टीशन मेथड में, है ना. जब हम क्या करेंगे, लास्ट में एक पार्टीशन रख देंगे तो z को 0 वैल्यू मिल सकती है, लेकिन यहां पे नहीं होनी चाहिए. इस क्वेश्चन में आपको z 0 नहीं चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. तो अब क्या सोचेंगे, यहां तक बात आई समझ में सबको? ठीक है, मुझे क्या दिया हुआ था, मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस दिए हुए थे, मतलब ये कंडीशन एक्स वाई जेड पे दी हुई थी. अब मैं ये कंडीशन बायपास करना चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे वो वाले सॉल्यूशंस लिखते आते हैं जिसके अंदर जीरो आंसर अलाउड होता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े ही स्मार्टली इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशंस यूज कर लिए. ठीक है, अब अगर मैं x, y और z को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पे, तो मेरे पास एक नया इक्वेशन आ जाएगा t1, t2, t3 में. क्या आएगा वो, 1 plus t1 plus 1 plus t2 plus 1 plus t3, और ये हो जाएगा इक्वल टू 10. तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, ये तीनों वैल्यू उस साइड जाके 7 बना देंगे, तो t1 plus t2 plus t3 is equal to 7. अब ये जो कंडीशन बनी है ये हम सॉल्व कर सकते हैं, और इट इज सेम T1, T2, T3 condition solving under this condition T1 greater than or equal to 0, T2 greater than or equal to 0, T3 greater than or equal to 0 is same as solving this given equation under the condition X is greater than or equal to 1, Y is greater than or equal to 1, Z is greater than or equal to 1. ऐसा कुछ यहाँ पर हम discuss करना चाह रहे हैं. ठीक है, all right. आई बस हमें पायल बोल रहे हैं, एक बार और समझा दो. All right पायल, read your comment. पढ़ सकते हैं बिल्कुल एक बार. इसको और एक अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ कैलकुलेशन यूज करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, समझाने के लिए तो ये समझाना बहुत ही आसान था. ठीक है, वो समझते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये क्यों किया. मेरे पास जब पार्टीशन मेथड अप्लाई करने के चांसेस बनते हैं तो मैं क्या देखता हूं कि जीरो आंसर आना चाहिए, जीरो पॉसिबिलिटी होना चाहिए. अब आए ना आए बात की बात है. ठीक है, तो यहां पर अब पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि T1 के ऊपर जो कंडीशन है वो T2 के ऊपर और T3 के ऊपर जो कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमें पसंद है. क्या याद रखना है, हमें क्या पसंद है वो याद रखना है. ठीक है, तो कोई सा भी वेरिएबल अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलता है तो वो वेरिएबल हमें पसंद है. ठीक है, यहां पर जैसे आपने बोला था x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो उसका मतलब होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही हमें पसंद नहीं है. ठीक है, तो हमने जो पसंद नहीं है उसको चेंज कर दिया एक दूसरे वेरिएबल में जो हमें पसंद है. ठीक है, ऐसा जब मैं करता हूं चेंजेस तो मेरे पास नई इक्वेशन आ जाती है t1 plus t2 plus t3 is equal to 7. ऑलराइट, इसको अगर आपको डिवाइड करना है कितने लोगों में, तीन लोगों में, आपके पास कितने मैंगोज हैं, आपके पास 7 मैंगोज हैं. कितने लोगों में डिवाइड करना है, तीन लोगों में डिवाइड करना है, मतलब पार्टीशन कितने चाहिए, बस 2 ही पार्टीशन चाहिए. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 7 plus 2, मतलब 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए. तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 factorial upon 7 factorial 2 factorial, मतलब 9c2 हो जाएगा आपकी बार. कितना हो जाएगा, 9c2 हो जाएगा. यस नवनीत, बिल्कुल सही बेटा. यस अनामिका ने भी बताया था 9c2.
क्लियर है? और 9C2, 9C2 मतलब 9 × 8/2, 36, यस श्रीनिधि बिल्कुल सही बेटा, सौरभ 36 बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑल राइट गीतांश, कुछ गड़बड़ हो गया? ऑल राइट, एग्जैक्टली प्रज्ञा ने बिल्कुल बात पकड़ ली है यहां पे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं जिससे आपको डायरेक्टली इसका आंसर आते हुए दिख जाएगा, ठीक है? ऑल राइट, यहां पे बच्चा पूछ रहा है इस पीएनसी के लिए अच्छी बुक कौन सी है। मेरे ख्याल से बेटा आप तो नॉर्मल कोई से भी जो हमारी सिंगेज या फिर आरडी शर्मा या फिर जो होती है ना अरियंत वगैरह वो उठा लो, आपको जेई की तैयारी हो जाएगी, ठीक है? आपको अगर बेसिकली आरएमओ वगैरह चाहिए तो फिर आपको पीएनसी की अलग से बुक करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? अदरवाइज क्योंकि हमारे पास हर टॉपिक के ऊपर टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही एक लिमिटेड पीरियड होता है, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं कर सकते आप पीएनसी की पूरी बुक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? पीएनसी शुड बी पार्ट ऑफ एनी बुक, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, तो यहां पर बच्चों एक बार फिर से सोचते हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 10, तो अगर मैंने इसको कन्वर्ट करने की जगह पहले से इसको मैंगोज के साथ में कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया होता तो मैं क्या बोलता, यहां पे किसी को भी जीरो नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब हर स्टूडेंट को कम से कम एक मैंगो मिलना चाहिए। हर स्टूडेंट को अगर कम से कम एक मैंगो मिलना चाहिए, कितने में से, 10 में से, तो क्यों ना एक एक मैंगो पहले ही सबको दे दो। अगर पहले ही सबको एक एक मैंगो दे दोगे तो आपकी कंडीशन खत्म, लेकिन आपके बास्केट में मैंगोज भी कम हो गए, है ना? आपके पास पहले बास्केट में 10 मैंगोज थे, आपने सबको एक एक दे दिया तो आपके पास 7 ही मैंगोज बचे। तो अब आप कैसे सोचोगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, अगर मुझे 7 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करना है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अगर मुझे 7 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में, तो फिर उसका आंसर कैसे निकल के आएगा? 2 पार्टीशन लगा लो 7 के ऊपर, समझे इस बात को, है ना? ये ज्यादा अच्छा है समझना, क्लियर है? ऑलराइट, वेरी गुड, आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। अच्छा गीतांश बोल रहे हैं नहीं सर गलती हो गई कुछ, अच्छा ऑलराइट क्या हो गया, अच्छा ठीक है, चलो गीतांश कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, एक और चीज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है? और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो सकता है आपको लिंक बैठा है धीरे धीरे कि यहाँ पर ये जो सबसे सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल क्वेश्चन पूछा था मैंने, अब मैंने आगे पूछा यहाँ पे आपसे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है? इसमें क्या चेंज हुआ और एक चेंज करके बताता हूँ, ठीक है? तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि इस क्वेश्चन के लिए एक्चुअली मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाई थी, ठीक है? यहां पर देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 10, अभी भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन कंडीशन क्या है आपकी बार, x इज ग्रेटर देन -1, कंडीशन देखते जाओ, x इज ग्रेटर देन -1, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कैसे होना चाहिए? इंटीग्रल सॉल्यूशंस होना चाहिए, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर केस में इसका मतलब आपका आंसर ऐसा भी आ सकता है कि 0, 0 एंड 10, 0, 0, 10 आ सकता है, क्योंकि क्या 0 ग्रेटर देन -1 है? बिल्कुल है। क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है? बिल्कुल। और क्या यहां पे 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है? बिल्कुल है, ठीक है? तो एक्स वाई जेड के आंसर अगर आप निकालना चाह रहे हो तो 0, 0, 10 आपकी बार आ सकता है, ठीक है? लेकिन आपकी बार नेगेटिव आंसर भी आ सकते हैं, आपकी बार ऐसा भी आंसर आ सकता है कि ये -1 हो जाए, ये अगर -1 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये 11 भी हो सकता है फिर तो। अब ये चीज जो है ये प्रैक्टिकली हम एप्पल्स की वजह से निगेटिव चीज नहीं दिखा सकते, एप्पल्स की वजह से हम निगेटिव चीज कभी कैसे दिखाएंगे, निगेटिव एप्पल कैसे रखूंगा मैं यहां पे टेबल के ऊपर, ठीक है? तो यहां पर जरूरी हमेशा यही होता है कि हम अपने वेरिएबल्स को कैसे कन्वर्ट करें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करें। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट अगर करते हैं तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम पार्टीशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो अब देखो यहां पे ध्यान से कैसे करने वाले मेहनत हम, यहां पर मैं ये कहता हूं कि अच्छा ठीक है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा क्या लगता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मुझे अच्छा लगता है, मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अच्छा लगता है। तो पहली बात, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दोनों में पहले से है, इसमें ग्रेटर देन का साइन है, तो पहले तो ये भी गड़बड़ है, मुझे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन चाहिए। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूं कि ये सोचूंगा कि अच्छा ठीक है x ग्रेटर देन -1 तो कौन सा इंटीजर है, x ग्रेटर देन -1 0 ही तो है, x ग्रेटर देन -1 मतलब 0 ही तो है, तो इसका इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है, क्योंकि आपको कैसे सॉल्यूशन निकालना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन से निकालना है, समझ रहे हो बात को, आपको यहां पर इंटीग्रल सॉल्यूशन ही निकालना है। हाँ, ऑल राइट, यस एग्जैक्टली, चलो देखो यहां पे ध्यान से और कैसे करना है, यहां पर ये इक्विवेलेंट समझ में आया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसके बाद नीचे वाला जो है वो लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, यहां पे सब्स्टिट्यूशन मुझे यूज करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू -1 + t1, -1 + t1 क्यों लिया मैंने यहां पे, क्योंकि -1 दिख रहा था, ठीक है? y की वैल्यू -1 से बड़ी होना चाहिए, तो अगर मैं t की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी डालूंगा,
अगर मैं T1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी डालूंगा तो Y की कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी. यस, ऑल राइट. और वैसे ही अगर मैं Z की वैल्यू 2 प्लस T2 ले लेता हूं तो यहां पर भी T2 के ऊपर कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि मुझे Z की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी चाहिए. तो अगर ये 0 या 0 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के बाद में Z का आंसर 0 या 0 से बड़ा आ जाएगा. आएगा, है ना? ऑल राइट. दो या, हाँ एग्जैक्टली, 2 या 2 से बड़ा आ जाएगा. ठीक है, अब बस यही चेंजेस अगर आपने इक्वेशन में कर लिए तो आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा एक्स T1 और T2 में, उसको सॉल्व करके पार्टीशन मेथड से जो आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. क्योंकि हमने केवल मॉडिफिकेशंस किए हमारे सहूलियत के लिए. ठीक है, हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है, हमने केवल मॉडिफाई किया है उसको. ठीक है, ऑलराइट. तो यहां पर समझो अब क्या हो रहा है. यहां पर अगर मैं एक्स की जगह एक्स डालूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? अगर मैं वाई की जगह -1 + T1 डालूंगा, -1 + T1, और अगर मैं जेड के प्लेस में 2 + T2 डालूंगा तो मेरा इक्वेशन कैसा दिखाई देगा मुझे? यहाँ पे 2 और -1, +1 बचा, +1 उस साइड गया तो 9 हो गया. तो x + T1 + T2 = 9 हो गया. ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय पार्टीशन मेथड विल गिव यू द करेक्ट आंसर. ये हम सीखना चाह रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो यहाँ पर कितने हैं अब मैंगोज मेरे पास? 9 है. कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो कितने पार्टीशन चाहिए? 2 ही पार्टीशन चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 9 + 2 मतलब 11 ऑब्जेक्ट्स हो गए. 11 × 9 = 2 11c2 आपका आंसर है. 11c2 आपका आंसर है. यस, चलो, देर आर सम स्टूडेंट्स जो समझ रहे हैं इस बात को. जयंत बेटा 13c2 नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, है ना? वीनू, अंकिता, है ना, नवनीत, दिव्यांशु, कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को, है ना, कि 11C2 आंसर आना चाहिए. हो गया क्लियर? सर डू यू नो? ना ना ना, नहीं बेटा, नॉट पर्सनली, आई जस्ट नो हिज नेम. ऑल राइट, चलो, आई बस वन में और एक क्वेश्चन करें. ऑल राइट, और एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी x + y + z इज लेस देन और इक्वल टू 10. x + y + z = 10. अब ये वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं जस्ट बाय पार्टीशन मेथड. ठीक है, x + y + z = 10, मतलब यहां पर आपके पास कैसे कैसे आंसर आ सकते हैं? यहां पर आपके पास फिर से क्या आ गया? नॉन नेगेटिव आ गया, तो आधा तो यहां पे क्वेश्चन आसान हो गया. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली पार्टीशन मेथड लगाने की सोच सकते हो, कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया यहां पे? इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी का साइन आ गया. समझ रहे हो? यहां पर इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी का साइन आ गया, तो सॉल्व करेंगे कैसे इस चीज को? तो यहां पर ऐसा सोचो कि आपके पास 10 मैंगोज है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? अभी भी 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने 10 के 10 मैंगो डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं. ठीक है, आपने लेटर से इसके अंदर से 6 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट किए, 2, 2 और 2. ठीक है, अगर आपने 2, 2, 2 ही डिस्ट्रीब्यूट किए, देन इन दैट केस क्या होगा? आपके पास कुछ मैंगोज बच जाएंगे. लेकिन क्या इस इनइक्वालिटी के करेक्ट सॉल्यूशन है कि नहीं है? ये इस इनइक्वालिटी का बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पे अगर आप सबको ऐड करोगे तो 6 आएगा. 6 < 10. आ रही बात समझ में? क्लियर है? ऑलराइट, तो यहां पर ये एक करेक्ट सॉल्यूशन है. और कौन सा करेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है? 0, 0, 0 भी इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है. 0, 0, 0 भी करेक्ट सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि इसके अंदर 0 आएगा, दैट इज ऑल्सो < 10. क्लियर हो रही बात? तो इसका मतलब अब मैं बचे हुई चीजों का कर क्या रहा हूं. यहां पर मैंने x एक बच्चा था, उसको मैंने 2 मैंगो दे दिए, दूसरे वाले को 2 मैंगो दे दिए, तीसरे वाले को 2 मैंगो दे दिए, तो मेरे पास 4 मैंगोज बचे हैं. कहां रह गए वो? जिस बास्केट से मैं मैंगोज निकाल के दे रहा था उस बास्केट में बच गए. इसका मतलब अगर मैं बास्केट वाले मैंगोज भी यहां पे ऐड कर लूं, बास्केट में बचे हुए मैंगोज भी अगर मैं ऐड कर लूं, तो टोटल 10 हो जाएगा. समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि मुझे इक्वेशन सॉल्व करते आती है, मैं इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूं. ठीक है, और वैसे ही यहां पे 0, 0, 0 किसी को कुछ नहीं दिया, तो बास्केट में कितने बचे? 10 बचे. तो अगर मैं बास्केट वाले भी अगर ऐड कर लूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? टोटल 10 मैंगोज हो जाएंगे. समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, अब इसी चीज को हम एक तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं. यहां पर अभी हम क्या लिख रहे हैं? एक्स के पास कितने मैंगोज है, वाई के पास कितने, जेड के पास कितने मैंगोज है, उनको ऐड करो. ऐसा करते हैं, इसके अंदर वो भी मैंगोज ऐड कर लेते हैं जो बास्केट में है, तो उसको भी किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो वेरिएबल लेट अस से अज्यूम करते हैं टी है. लेट अस से दैट वेरिएबल इज टी. तो यहां पर आप क्या बोलोगे? ये जो क्वेश्चन है ये इसी के इक्विवेलेंट है. x + y + z + t = 0. एक्स वाई जेड तो हमने जिन ट्विन स्टूडेंट्स को यहां पे मैंगोज बांटे हैं उनके वैल्यूज हैं, और टी क्या है? बास्केट में कितने रह गए उसकी वैल्यू है. आई बस उनमें,
ठीक है. तो यहां पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तो पार्टीशन मेथड डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. यहां पर आपके पास 10 है, चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा मानो चार लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके पास कितने पार्टीशन लगाने की जरूरत पड़ेगी, 3 पार्टीशन लगाने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 10 और 3 13 ऑब्जेक्ट्स हो गए. लेकिन इनमें से 10 एक जैसे हैं इसलिए 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, और 3 पार्टीशन एक जैसे हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो. तो 13C3 ये आपका आंसर आएगा. क्लियर हो रहा है, 13C3 क्लियर हो रहा है सभी को. यहां पर हमारे पास टोटल 10 मैंगोज है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और 3 लोग हैं. यहां पे जो आपके पास एक बास्केट है जिसको हमने टी बोला है, उसको भी एक पर्सन जैसा इमेजिन करो. ठीक है, आपको सारे मैंगोज का टोटल कितना होते हुए दिखेगा, 10 होते हुए दिखेगा. यस पायल, दिव्यांशु है ना, और इट मेहर 13C10 भी बिल्कुल सही है बेटा, है ना, बिकॉज 13C3 इज इक्वल टू 13C10, ये भी बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है उसका भी, वो भी सही आंसर है. यस, तो जयंत ऑलराइट, चिंटू बहुत बढ़िया, पाहुल 13C3, दिव्यांशु यस ऑलराइट, शबनम बेटा 10C3 आ रहा है आपका, एक बार फिर से चेक करो. यस, बाकी बच्चे ठीक बता रहे हैं, अंकिता सूरज बहुत बढ़िया, श्रीनिधि बहुत गुड. ऑलरेडी यहाँ पे एक हरप्रीत बच्चा है, वो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम्स करने. यस बेटा मुझे पता है, आई विल टेक दोस अप इन माय क्विजेस. ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमने सारे कॉन्सेप्ट्स मैक्सिमम मिनिमम वाले पढ़ लिए हैं, कुछ जो ऐसे क्वेश्चन है उनको हम क्विज में लेके हम और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज इट. आई थिंक आज हमने बहुत ही बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा. जल्दी से लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में. ठीक है, और क्या करना है, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे बढ़िया वाले. ठीक है, तो सारे नोट्स बच्चों डाउनलोड करो, नोट्स डाउनलोड करके रिवाइज करते रहो. आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. यहाँ पर सारे टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपकी मैक्स टू मैक्स हेल्प कर पाए. ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपके यहाँ पर इंटरेस्टिंग से और भी जो सेशन होते हैं वो मिस ना हो. ठीक है, विद दैट नोट आई विल जस्ट कॉल अपॉन जो लास्ट वाला था वो मैंने भी नहीं किया था मेरे टाइम पे, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस सर, जैसे आपने कराया था वो बास्केट वाला, मजा आ गया. मतलब लाइक इवन वी हैव अक्षय हियर, अक्षय इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर टीम, एंड yes, and we were all solving these problems. So Akshay here is also physics expert, hai na? You will not see him a lot in front of the camera, but he is there with us. Yes. All right. चलो गुड नाइट गाइस. और दूसरी चीज, अगर आप ये 11th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, JEE जो सब्सक्रिप्शन है वो 24 मंथ्स का भी स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो इट्स डाउन देयर, प्लीज चेक द लिंक और JEE लाइव कोड यूज करना मत भूलना. All right. चलो थैंक यू वेरी मच नमो सर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद ऑल द स्टूडेंट्स. अगर नमो सर को मजा आ रहा था मतलब वाकई यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना ही. कल फिर से मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जो रहते हैं वो पीएनसी के हम डिस्कस करेंगे कल. ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय.